यूनिट नंबर 4 एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप्स में अब हमने पढ़ना है बायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन विद द फूड चेन एंड फूड वेब। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट हैं। स्टार्ट में हमने इस चैप्टर में बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा भी था। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सारे जो लिविंग पार्ट हैं एक एनवायरनमेंट का, इनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट कहते हैं। अब इन बायोटिक कंपोनेंट्स का क्या रिलेशन है फूड चेन और फूड वेब के साथ, ये हमने पढ़ना है। फूड चेन और फूड वेब के बारे में डिटेल में आगे जाकर अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। एवरी लिविंग थिंग नीड एनर्जी, हर जो ज़िंदा चीज़ है उसको एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी इन एन इकोसिस्टम पासेस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर। वो कह रहे हैं कि एनर्जी एक इकोसिस्टम है तो उसके अंदर एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पास हो जाती है, ठीक है। किस तरह पास होती है अब हम वो देखेंगे फूड चेन और फूड वेब के अंदर। The basic source of energy on earth is sunlight. Energy का सबसे बड़ा source earth पर एक ही है और वो है sun, ठीक है। Plants use the sunlight and make the food. Plants sunlight को use करते हैं और food बनाते हैं, ठीक है, through the process of photosynthesis. Thus the plants are called the producers. क्योंकि plants जो हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए हम उन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, एनिमल्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते। दे ईट प्लांट और अदर एनिमल्स दैट ईट द प्लांट्स। एनिमल्स क्या करते हैं, वो दूसरे जानवरों को खा रहे होते हैं जो के प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, या वो डायरेक्टली भी प्लांट्स को खाकर अपना फूड हासिल करते हैं। दस एनिमल्स आर द कंज्यूमर्स। एनिमल्स क्योंकि प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स को खाकर अपना जो है फूड हासिल कर रहे हैं, इसलिए हम एनिमल्स को कंज्यूमर्स कहते हैं। अ कंज्यूमर मे बी अ प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोर, अ सेकेंडरी कंज्यूमर और अ टर्शरी कंज्यूमर। वो कह रहे हैं कंज्यूमर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकता है। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स हैं जो के प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए, ठीक है, यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं वो प्लांट्स को खाते हैं। हर्बीवोर इसके साथ, प्राइमरी कंज्यूमर्स के साथ ब्रैकेट में आगे हर्बीवोर लिखा हुआ है, हर्बीवोर भी उन्हीं एनिमल्स को कहते हैं जो के प्लांट्स पर अपने फूड के लिए डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। अ सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स हैं जो के उन एनिमल्स को खाते हैं जो के प्लांट्स खा रहे होते हैं, ठीक है। और टर्शरी कंज्यूमर्स कौन से होंगे, वो एनिमल्स जो के सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा रहे हैं वो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। अब हम पढ़ेंगे कि फूड चेन क्या है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म ईट ऑर्गेनिज्म एंड आर इन टर्न बींग ईटन बाय अदर। वो कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है और इन टर्न में उस ऑर्गेनिज्म के साथ क्या होता है कि उसको कोई तीसरा एनिमल आकर खा लेता है। दिस फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म्स इज कॉल्ड अ फूड चेन। इस रिलेशनशिप को जो कि तमाम ऑर्गेनिज्म्स के दरमियान पाया जाता है, इसको हम कहते हैं फूड चेन। मोस्ट फूड चेन्स स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर्स। ज़्यादातर जो फूड चेन्स हैं वो स्टार्ट होती हैं प्रोड्यूसर से, यानी प्लांट से, ठीक है। अगर हम ये पहली वाली देखें तो इसमें सबसे पहले ग्रास है, ज़ेब्रा ने आकर इस ग्रास को खाया और फिर लाइन ने आकर इस ज़ेब्रा को खा लिया, ये है एक फूड चेन। दूसरी फूड चेन में देखें तो सबसे पहले लीव्स हैं, लीव्स को कौन खा, लीव्स जो हैं वो भी प्लांट्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको किसने खाया, कैटरपिलर ने, कैटरपिलर को बर्ड ने खा लिया और बर्ड को फिर हॉक ने खा लिया, एक बड़े बर्ड ने खा लिया, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, सो दे आर द फर्स्ट इन मोस्ट फूड चेन्स। ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, इसलिए वो ज़्यादातर फूड चेन्स में सबसे पहले पाए जाते हैं। एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स आर सेकेंड इन द फूड चेन, और वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं अपने फूड के लिए या प्लांट्स को खाते हैं, वो सेकेंड नंबर पर होते हैं फूड चेन में।
दे आर कॉल्ड द प्राइमरी कंज्यूमर्स, इनको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। एनिमल दैट ईट द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और वो एनिमल्स जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स मे बी ईटन बाय द टर्शरी कंज्यूमर्स, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं उन्हें टर्शरी कंज्यूमर्स आकर खा सकते हैं। अब नीचे कुछ बॉक्सेस में लिखे हुई हैं एग्जांपल्स ऑफ फूड चेन के, कुछ एग्जांपल्स बताई हुई हैं फूड चेन की। इन अ ग्रासलैंड हैबिटेट अ ग्रास होपर ईट द ग्रास, अ स्नेक मे ईट दिस ग्रास होपर, दिस स्नेक मे बिकम द फूड ऑफ अ हॉक। वो अब बता रहे हैं कि एक ग्रासलैंड हैबिटेट है, ग्रासलैंड हैबिटेट मैंने बताया भी था, हमने पढ़ा था इस चैप्टर में कि ग्रास लैंड हैबिटेट्स वो हैबिटेट है जिसमें ग्रास वगैरह पाया जाता है। तो ग्रास को किसने खा लिया? ग्रास होपर ने। ग्रास होपर को स्नेक ने खा लिया और स्नेक को हॉक ने खा लिया। अब नीचे अगर हम देखें तो ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर हो गया, कैटरपिलर या सॉरी ये जो ग्रास होपर है ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर जिसने प्लांट्स को खाया, और जो स्नेक है वो हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर जिसने प्राइमरी कंज्यूमर को खाया था, यानी जो ग्रास होपर था उसको खाया था। ठीक है, तो स्नेक बन गया हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर, और हॉक हो जाएगा टर्शरी कंज्यूमर जिसने सेकेंडरी कंज्यूमर को खा लिया। ठीक है, नंबर टू एग्जांपल इज़ अबाउट द एक्वाटिक हैबिटेट के, जो वाटर वाला हैबिटेट है उसमें क्या होता है। एल्जे आर द प्रोड्यूसर इन दिस सी फूड चेन वाइल अदर्स आर द कंज्यूमर। एल्जे जो है वो एक जो एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर जो एक फूड चेन पाई जाती है उसमें एल्जे प्रोड्यूसर्स हैं, यानी एल्जे जो है वो फूड प्रिपेयर कर रहा होता है और बाकी जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे कंज्यूमर्स हैं। नंबर वन पे हम देखते हैं कि एल्जे है, एल्जे को क्रिल जो है जो एक फ़िश है वो क्या करती है, वो एल्जे को खा लेती है। फिर कॉड, कॉड भी एक फ़िश है उस वो क्या करती है, कॉड जो है वो क्रिल को खा लेगी, और फिर सील जो है वो कॉड को खाएगी, और फिर वेल जो है वो इस सील को खा लेगी। इस तरह से एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर फूड चेन पाई जाती है। नेक्स्ट में अब हमने पढ़ना है फूड वेब के बारे में। फूड वेब क्या है जी? जब बहुत सारी फूड चेन्स जो हैं वो कंबाइन होती हैं, या बहुत सारी फूड चेन्स को जो कि एक इकोसिस्टम के अंदर पाई जाती हैं, जब हम उन्हें अरेंज कर कर लिखते हैं, बनाते हैं, तो वो एक फूड वेब बना देती हैं जिसके अंदर बहुत सारी फूड चेन्स शामिल होती हैं। ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म कैन बी अ पार्ट ऑफ मैनी फूड चेन। एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारी फूड चेन्स का पार्ट हो सकता है, जिस तरह अभी हमने लास्ट जो फूड चेन में देखा कि प्लांट्स जो हैं वो तकरीबन सारे फूड चेन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, सेवरल फूड चेन इन एन इकोसिस्टम ओवरलैप टू फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड द फूड चेन। कुछ फूड चेन्स जो हैं इकोसिस्टम के अंदर वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं और जो है एक फूड वेब बना देती हैं, यानी जो कुछ फूड चेन्स ऐसी होती हैं जिस तरह के अभी हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ एक ही तरह के एनिमल्स को नहीं खा रहा होता बल्कि वो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को खा रहा होता है। तो इस तरह जब डिफरेंट फूड चेन्स जो हैं एक इकोसिस्टम में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएंगी तो वो हमारे पास बना देगा एक फूड वेब। नंबर वन एग्जांपल हम पढ़ेंगे, अ लायन डजंट फीड इंटायरली ऑन द डियर बट इट ऑल्सो हंट्स काउज एंड गोट्स। एक जो लायन है वो सिर्फ डियर का शिकार नहीं कर रहा होता या सिर्फ डियर को ही अपने फूड के लिए यूज़ नहीं कर रहा बल्कि वो काऊ और गोट्स वगैरह का भी हंट करता है। सिमिलरली आउल एंड हॉक मे ऑल्सो टेक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एज देयर फूड। इसी तरह आउल और हॉक्स जो हैं वो भी डिफरेंट एनिमल्स को एज अ फूड यूज़ कर सकती हैं। सो मोस्ट एनिमल्स फीड ऑन वन और मोर देन वन काइंड ऑफ एनिमल्स। तो इससे ये बात साबित होती है कि एक एनिमल जो है वो मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है अपने फूड के लिए।
Therefore, many food chains form a kind of network or food web. इसलिए बहुत सारी food chains जो हैं वो मिलकर एक network बना देती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, food web कहते हैं. Number two example में अगर हम देखें तो a snake doesn't feed on a frog alone. वो कह रहे हैं कि snake जो है वो सिर्फ frog के ऊपर ही अपने food के लिए depend नहीं कर रहा. It also eat the birds, बल्कि snake जो है वो frog के अलावा birds को भी खाएगा, rat को भी, एंड इवन द रैबिट्स, और यहाँ तक कि वो रैबिट्स को भी खा सकता है. बर्ड ईट द ग्रेन, बर्ड्स जो हैं वो ज़्यादातर ग्रेन्स वगैरह पे डिपेंड कर रहे होते हैं, दानों पे डिपेंड कर रहे होते हैं. दे ऑल्सो ईट द इंसेक्ट, स्पाइडर एंड वॉर्म्स, वो कीड़े मकोड़ों को भी खा सकते हैं, वो मकड़ी को भी खा सकते हैं, और वो डिफरेंट वॉर्म्स को भी खा सकते हैं. इफ वी अरेंज द फूड चेन इन एन इको सिस्टम, इट टेक्स टू फॉर्म अ वेब. जब हम मुख्तलिफ फूड चेन्स को, एक इकोसिस्टम की जो फूड चेन्स हैं, जब हम उनको एक अरेंज फॉर्म में रखते हैं तो वो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं. ठीक है, अब अगर ये जो नीचे हमारे पास डायग्राम बनी हुई है इसमें हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लांट को कौन कौन खा रहा है. गोट भी खा रही है, रैबिट भी खा रही है, डियर भी खा रहा है, और रैट भी खा रहा है. ठीक है, तो प्लांट्स जो हैं वो बहुत सारी फूड चेन्स का पार्ट है. इसी तरह अगर हम देखें तो ये जो गोट है ये दो फूड चेन्स का पार्ट है. किस तरह, कि इस गोट को जैकल ने खाया और इस जैकल को लाइन ने खा लिया, एक फूड चेन. और दूसरी फूड चेन क्या होगी कि इस गोट को डायरेक्टली इस लाइन ने खा लिया, ये बन गई दूसरी फूड चेन जिसमें गोट यूज़ हुई है. ठीक है, अब हम देखेंगे इस प्लांट, सबसे पहले इस रैबिट ने प्लांट्स को खाया, फिर इस रैबिट को इस जैकल ने खाया, और इस जैकल को फिर लाइन ने खा लिया. ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे प्लांट सबसे पहले जो है डियर ने इन प्लांट्स को खाया, और फिर इस डियर को लाइन ने खा लिया. फिर हम देख रहे हैं कि रैबिट ने प्लांट को खाया और इस रैबिट को आउल ने खा लिया. ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि रैबिट, ये जो रैट था, इसने पहले प्लांट्स को खाया, फिर इस रैट को स्नेक ने खाया, फिर इस स्नेक को इस काइट ने खा लिया. तो डिफरेंट फूड चेन्स हैं, और जब हमने उनको एक अरेंज फॉर्म में रखा तो हमें क्या क्या बातें पता चलें, कि ये एक फूड वेब बन रहा है. एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारी फूड चेन्स का पार्ट हो सकता है, जिस तरह के ये प्लांट था. और इसी तरह दूसरी बात हमें ये पता चल गई कि एक ऑर्गेनिज्म, जिस तरह अगर हम लाइन की एग्जांपल ले लें, तो वो सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म पे, यानी डियर पर, अपने फूड के लिए डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को खा कर अपना फूड हासिल कर सकता है. जिस तरह के इस अगर फूड वेब के अंदर हम देखें तो लाइन जो है वो जैकल को भी खा सकता है, गोट को भी खा सकता है, और डियर को भी खा सकता है. तो इस तरह हमें पता चला कि जब डिफरेंट फूड चेन्स जो हैं उनको अरेंज फॉर्म में लिखा जाए तो वो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड वेब.